नमस्कार साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खबरों की ओर। डोंगरगढ़ में धान की खरीदी देर से शुरू होने और मौसम में गड़बड़ी के चलते वंचित रह गए किसानों की धान खरीदी में लेट लतीफी के चलते विक्रय न होने से धान खरीदी की तिथि 15 फरवरी तक बढ़ाने की मांग की गई है, जिसे लेकर भाजपाई मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समय वृद्धि और असमय बारिश से फसल को नुकसान का मुआवजा शीघ्र प्रदान करने की मांग की है। वहीं मांग पूरी ना होने पर बीजेपी किसान मोर्चा ने पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में एसडीएम के माध्यम से शासन को अवगत कराने के लिए कि जो किसानों का धान खरीदी की समय सीमा है उसको बढ़ाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। क्योंकि बीच में बारिश की वजह से धान खरीदी बंद हो गई थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार में जो 1 दिसंबर से धान खरीदी की है चालू की है, एक तो बहुत लेट से धान खरीदी चालू की है, इसका भी हमने विरोध प्रदर्शन किया है। क्योंकि धान खरीदी लेट से होने के कारण से पूर्णतः किसान लोग धान को बेच नहीं पाते हैं और जो अभी समय दिया गया है वो बहुत अपर्याप्त है। तो शासन को अवगत कराने के लिए 15 फरवरी तक हमारी मांग है कि 15 फरवरी तक उसको